फिल्म अच्छी होती तो बॉयकॉट से किसी फर्क का फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। अगर हम लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि लोगों को पसंद नहीं आए, वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है उस बॉयकॉट चैनल बॉयकॉट की जो प्रतिक्रिया थी शायद उससे कुछ 5-10 लोग प्रतिशत नहीं गए होंगे, पर अगर 95% गए हैं तो बाहर आके उन्होंने बोला होगा भाई देखो अच्छी पिक्चर है, तो अच्छी चीज अपना रास्ता किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेती है। और तो इसलिए आई डोंट थिंक, और सबको अभिव्यक्ति की आजादी, आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि कौन है ये लोग जो उनको लगा उन्होंने ऐसा किया होगा। अब मैं कहूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? बायकॉट बहुत सा मेरे बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजों के बारे में, तब तो मुझे किसी ने डिफेंड नहीं किया, तो मैं किसी को ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, बट आजादी की अगर आप बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो फिर आपको आज के ही तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा काम होगा तो 100%। अब आमिर खान साहब ने एक स्टेटमेंट जो दी थी 2015 में इनटॉलरेंस के बारे में, उसके बाद उनकी दंगल फिल्म बहुत अच्छी थी मगर बहुत चली, पीके फिल्म भी शायद उसके पहले ही उसके आसपास ही चली थी, पर हो सकता है कि पिछले दिनों लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि उनको लगा कि सीरिया में शूटिंग नहीं करनी चाहिए जो हमारे देश में के बारे में अच्छी बातें नहीं करती हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इन दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा टॉलरेंट देश कोई नहीं है। दुनिया में जो जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुस्तान में है, भारत में है, इंडिया में है, उससे बड़ा मैं सब जगह ट्रेवल कर चुका हूं, काफी देशों में नहीं है। तो कभी कभी आप एज ए पर्सन, एज ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव टू बी केयरफुल वट यू से, बिकॉज यू मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग यू, मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग यू, सो व्हेन यू मेक ए केयरलेस स्टेटमेंट अबाउट द कंट्री देन इट कैन समटाइम्स बुमरैंग। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आमिर खान की मैं बहुत इज्जत करता हूं बतौर एक्टर, बतौर पर्सन, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू मे बी इट्स इम्पॉर्टेंट, मे बी इट वॉज नॉट ए गुड फिल्म, आई डोंट बी सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट दिस, मे बी इट वॉज नॉट, आई हैव नॉट सीन द फिल्म, मेरी कितनी अच्छी फिल्में नहीं चली हैं, मुझे लगता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैंने बहुत मेहनत से की थी, नहीं चली, कश्मीर फाइल्स को लेकर कितने विरोध चले, ट्रेंड हर रोज ट्रेंड होता था, फ्रॉड फिल्म है, असेंबली से चीफ मिनिस्टर ने बोला इसको यूट्यूब पे डाल दो, बाकी लोगों ने बोला ये इस गलत है फिल्म, पर चली ना, हमने तो नहीं किसी को दोष दिया, जो फिल्म चल, और वो फिल्म में तो कोई ऐसा एंटरटेनिंग भी नहीं था, ऐसा तो नहीं था, वो तो जेनोसाइड कश्मीरी लोगों की जेनोसाइड पर थी, पर हजारों लोग बोलते थे फ्रॉड है, ये है, कश्मीर फाइल में ऐसा हुआ क्यों नहीं, कश्मीर में तो ऐसा हुआ ही नहीं था, इतने लोग मारे गए थे, इतने सारे लोग थोड़ा मारे गए थे, अरे भाई 5 लाख कश्मीरी हिंदू